नमस्कार दोस्तों, मैं कृपा शंकर पांडे ये वीडियो उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। कक्षा 12 के बाद वो लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं, एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं लाइक क्लैट, आईलेट, ब्लैट। मैं बताना चाहता हूँ कि जो क्लैट का टेस्ट होता है ऑल इंडिया लेवल पर, वो 5 सेक्शंस में होता है, लीगल, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और हमारा आता है जीके, जनरल नॉलेज। ये पांचों सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो भिन्न भिन्न नंबर्स कैरी करते हैं, मीन्स अलग अलग नंबर के होते हैं। पूरा जो होल क्लैट का पेपर होता है उस वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें जो हमारी इंग्लिश है वो 40 मार्क्स की पूछी जाती है, जो मैथ है 20 मार्क्स की पूछी जाती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इंग्लिश जो मैथ होती है, दीज मैथ्स आर नॉट हायर मैथमेटिक्स, इट इज होली अर्थमेटिक। और जो हमारा रीजनिंग का सेक्शन होता है, उसमें दो तरह की रीजनिंग पूछी जाती है, क्रिटिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और ये पूरा रीजनिंग का पार्ट 40 नंबर का पूछा जाता है। अब आ जाते हैं अपने हम लीगल सेक्शन की तरफ। लीगल सेक्शन पूरे 50 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा द लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सम एस्पेक्ट्स ऑफ द लॉ ऑफ क्राइम और क्रिमिनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के स्फेयर में भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिलेटेड टू द सम आर्टिकल्स लाइक फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, स्टेट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी, सो एंड सो फोर्थ। इसमें जो पूरा पेपर होता है वो दो सेक्शन, दो टाइप के क्वेश्चन से बना होता है। एक होता है लीगल रीजनिंग का सेक्शन, जिसमें आपको फैक्ट्स दिए होंगे और प्रिंसिपल्स दिए होंगे, आपको उन प्रिंसिपल्स को उस पर अप्लाई करना है और अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल यू हैव टू जज द होल फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन। इवन इफ यू हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट दैट फैक्ट्स विद द अप्रोप्रिएट लॉज, फिर भी आपको अपना दिमाग, अपनी नॉलेज को दरकिनार करते हुए आपको उस प्रिंसिपल में जो दिया है, प्रिंसिपल को लेते हुए, प्रिंसिपल के हार्मनी में चलते हुए उस फैक्ट्स को सॉल्व करना है। उसमें जब आप उस लीगल रीजनिंग के उस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको जो आंसर दिए होंगे, तो आंसर कुछ ऐसे दिए होते हैं कि चार ऑप्शन होते हैं, वो आंसर्स ऐसे सेट किए जाते हैं कि जो कुछ भी आप सोच रहे होंगे, जो आपने पढ़ रखा है कहीं पर भी या कहीं पर आपने क्लास वगैरह में सुन रखा है, मान लो आप कहीं कोचिंग करते हैं या जो कुछ भी हो, और आपने सुन रखा है कि ये लॉ होता है और वो लॉ प्रिंसिपल में नहीं दिया हुआ है, और फैक्ट में वही सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि जो लॉ आपने क्लास में पढ़ रखा है
वो आके इस फैक्ट पर फिट बैठ रहा है, एक ऑप्शन ये दे देगा, एक ऑप्शन उठा के और दे देगा जो कुछ आप जनरली सुनते आए हो, न्यूज़पेपर में पढ़ते रहे हो, लोग क्राइटेरिया क्रिटिसिज्म बनाते हैं, लोग का जो ओपिनियन देते हैं कि नहीं इसमें ऐसा होना चाहिए था, तो एक वो आंसर आ जाएगा। एक आंसर होगा जो एकदम प्रिंसिपल से एक हार्मनी में होगा, तो और एक आंसर जो होगा वो एकदम वेग होगा, मीन्स देर इज नो रेलेवेंसी विद दैट ऑप्शन विद द क्वेश्चन। तो क्या होगा कि ये जो थर्ड नंबर वाला आंसर है, जो कि प्रिंसिपल और फैक्ट को एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन देता है, हमको उस ऑप्शन पर स्टक करना है, हमको उस ऑप्शन को देखना है और करना क्या है, वो ऑप्शन सही है, न कि वो ऑप्शन सही है जो कि पहला ऑप्शन हमारा था कि जो लॉ हमने पढ़ रखा है पहले से, जो हमारे जहन में है, जो हमारी नॉलेज में है, वो बशर्ते कि उससे मैच कर रहा है तुम्हारे फैक्ट से, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि जो इंट्रेंस टेस्ट का एक रूल होता है, थंब रूल आप जान लीजिए कि यू आर नॉट मोर नॉलेजेबल देन द प्रिंसिपल व्हिच इज गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर, यू आर बाउंड टू फॉलो दैट प्रिंसिपल ओनली। आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते, आप अपनी नॉलेज नहीं लगा सकते, अगर आपने किसी भूलवश ऐसा करने की हिम्मत की तो ये आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है, और ये आप, मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप ऐसा ना करें। और आता है एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसे लीगल एप्टीट्यूड कहते हैं, दीज क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन लाइक फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, फ्रॉम दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फ्रॉम दी फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A, फ्रॉम दी स्टेट आर्टिकल 12, फ्रॉम दी टेरिटरीज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया आर्टिकल 124। यहां तक कि हम लोगों से प्रियम्बल से भी क्वेश्चन आते हैं, और सम क्वेश्चंस आर फ्रॉम द लॉ ऑफ टॉर्स, लाइक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लॉ ऑफ टॉर्स क्या है, व्हाट इज लॉ ऑफ टॉर्स, ऑप्शन में होगा लॉ ऑफ टॉर्स इज अ क्रिमिनल रॉन्ग, लॉ ऑफ टॉर्स इज अ पब्लिक रॉन्ग, लॉ ऑफ टॉर्स इज अ सिविल रॉन्ग, नन ऑफ द अबव। डियर स्टूडेंट्स, आपको करना क्या होगा कि द लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज अ सिविल रॉन्ग, और आपको इस पर स्टक करना होगा। और हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जब आपको कहीं ऐसा लगे कि नहीं इस क्वेश्चंस के ऑप्शन में ये जो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, दोनों सही हो सकते हैं, तो उस ऑप्शन को आप चूज करोगे जो आपको लग रहा है कि नहीं, जो ये थर्ड नंबर वाला ऑप्शन है ये 50% करेक्ट है, और जो ये फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन है ये 70% करेक्ट है। मीन्स टू से कि जो आपके जेहन में, आपके विचार से जो ज्यादा सही लगेगा, आप उस ऑप्शन को टिक करोगे, उस ऑप्शन को आप चूज करोगे, ये आपके रिजल्ट के लिए बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं हम जीके सेक्शन की। जीके सेक्शन में जो कि जनरल नॉलेज का सेक्शन है, वो 50 मार्क्स कैरी करता है, और ये बहुत कुछ डिसाइड करता है, लाइक इस 50 मार्क्स को
आप अगर आपने बेल मेंटेन किया हुआ है, अपने आप को बेल प्रिपेयर्ड किया हुआ है, तो आप बहुत ही जल्द अप्रॉक्स 8 to 10 मिनट में आप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, जो कि आपको बेनिफिशियल टाइम दे देगा, बिकॉज आपको टाइम मिलता है 120 मिनट्स का और क्वेश्चंस होते हैं 200। एवरी क्वेश्चंस कैरी अ 38 मिनट, सॉरी 38 सेकेंड। जस्ट इमेजिन हाउ कैन यू सॉल्व अ रीजनिंग क्वेश्चन, अ मैथ क्वेश्चन इन 30 सेकेंड और 35 सेकेंड, बट यू कैन डू, यू कैन इफ यू। क्या होता है ना कि लोग प्रिपरेशन करना जब शुरू करते हैं तो बहुत फोकस करते हैं, लेकिन उस कंटिन्यूटी को बना नहीं पाते। अगर आप उस कंटिन्यूटी के साथ पढ़े हैं, उस कंटिन्यूटी को बरकरार बनाए हैं, देन यू कैन डू, तो आप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब आप उस 50 क्वेश्चंस को आप 8 मिनट या 10 मिनट में कर देते हो, तो क्या होता है कि आपके पास जो इस 50 मिनट को आपने 10 मिनट में किया है, तो इसका वाला जो पोर्शन का टाइम है वो मिला के आप मैथ पे दे दो, रीजनिंग पर दे दो, और जो लीगल के सेक्शन में आपको लीगल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का पूछा जाता है बेसिकली, लेकिन वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उसको भी आपने 2 to 3 मिनट्स में कर दिया पूरा, तो आप यहां तक कि 65 क्वेश्चंस को आपने 15 मिनट में कर दिया, यू हैव 105 मिनट रिमेन एंड यू हैव ओनली 135 क्वेश्चंस। यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द गिवन टाइम पीरियड। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि लोग मैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 170 क्वेश्चन 180 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ये हो भी जाता है किसी किसी का, लेकिन हमको इस झमेले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमको ये देखना है कि अगर क्वेश्चन पेपर टफ आया है तो सबके लिए टफ आया है, अगर इजी आया है तो सबके लिए इजी आया है। हमारे मार्क नहीं डिटरमाइन करते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इन कंपैरिजन टू कि कैसा पेपर था वो डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब मान लीजिए कि एक इजी पेपर आया था जिसमें आपको 140 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 200, तो आप अच्छे कॉलेज भूल जाइए। वैसे 140 मार्क्स इज ए गुड मार्क, बट आप भूल जाइए एनएलएसआई बैंगलोर और नालसार हैदराबाद को भूल जाइए, नहीं मिलने वाला 140 अगर इजी क्वेश्चन पेपर आया है तो। अब यही अगर एक हार्ड क्वेश्चन पेपर आया है और उसमें आपको मिले हैं 120 मार्क्स और 130 मार्क्स, तब भी आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं हैं जिस जो इतना नंबर पाए हैं, आपने इतनी मेहनत की तब आपको इतना मिला, जो लोग आपसे कम मेहनत किए होंगे उन्हें तो और नहीं मिला होगा। सो फोकस ऑन योर स्टडीज विद अ क्लियर कॉन्सेप्ट। आपको इस क्लैट की तैयारी करने के लिए, आपको लॉ के एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना होगा अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू योर टाइम, कि आप कब सिलेबस कर सॉरी आप कब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों को एक हार्मनी में लेकर के अगर आप तैयारी करेंगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप भी हम लोगों की तरह एक सेलेक्ट छात्र बनेंगे। मैं इस समय लॉ स्कूल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र हूं, जो कि अपनी मेहनत के बदौलत आया हूं। तो मैं आप लोगों के
उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ये चाहता हूँ कि आप लोग सेलेक्ट हों एक अच्छी रणनीति के साथ पढ़ते हुए और NLSI बेंगलोर जाएं, NALSAR हैदराबाद जाएं। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद।